नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर हूं और एक गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज है। फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जो फिल्मी पर्दे पर तो निगेटिव कैरेक्टर का रोल निभाता है, लेकिन रियल लाइफ में लोगों को अपने नाम का दीवाना बना चुका है। और वो तमाम मजदूर जिनके सामने सोनू सूद का नाम ले लिया जाए तो यकीन मानिए उसके दिल से दुआएं, प्यार, मोहब्बत सोनू सूद के लिए खूब बरसती रह रही हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोनू सूद ने उन तमाम प्रवासी मजदूर भाइयों को उनके गांव, उनके प्रदेश पहुंचाया है। शुरुआत बस के सफ़र से हुई थी, बस चली और अब जब 1 जून से ट्रेन का चलना शुरू हुआ तो लगातार ट्रेन से भी तमाम मजदूर भाइयों को सोनू सूद हर वक्त भेज रहे हैं। और आज तो सोनू सूद ने कुछ ऐसा कर दिया, यकीन मानिए कि यह मजदूर के जीवन में कभी संभव नहीं था। और वो तमाम मजदूर जो महाराष्ट्र में फंसे हैं, अब जब भी उनके जीवन पर संकट आ रहा है, उनको गांव की याद आ रही है, तो उनको सबसे ज़्यादा अगर उम्मीद किसी को है तो सोनू सूद से है। और सोनू सूद ने आज मजदूरों को बस से तो भेजते थे, ट्रेन से तो भेज ही रहे हैं, लेकिन आज हवाई यात्रा के द्वारा उन मजदूरों को उनके गांव भेज रहे हैं, उनके प्रदेश भेज रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, कुछ लोग हैं जो आज की हवाई यात्रा में सोनू सूद द्वारा भेजे जा रहे हैं अपने प्रदेश, अपने गांव। वीडियो देखिए। तो 2.5 महीने से इधर बॉम्बे में फंसे थे और सोनू सर अभी हमको फ्लाइट से भेज रहे हैं और हम अगले साल भाई को राखी बांधेंगे। होटल में सारे होटल वाले हैं ना, चलो वापस आओगे खाना पाना खिलाना हम लोगों को। हम काफ़ी दिन से भटक रहे थे, बहुत परेशान थे, आज सोनू सर की वजह से हम भी अपने गांव जा पा रहे हैं। थैंक यू सोनू सर। बॉम्बे सिल्चर की कर रहे हैं हम, बॉम्बे सिल्चर। हाँ, 3-4 दिन हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।